तो डोमेन फाइंड करना है इसको। यहाँ पे क्या लिखा है, अंडर रूट ऑफ समथिंग, जो अंडर रूट के अंदर वाली चीज लिखी हुई है। आपको कुछ भी नहीं करना। देखो मैंने आपको दो तीन चीज सिखाई, लॉगरिथम को खुश कर दो, अंडर रूट के अंदर वाली चीज को खुश कर दो, और अगर अपने पास कोई और फंक्शन आता है डिनोमिनेटर में तो डिनोमिनेटर को जीरो मत होने दो। बस इतनी दो तीन चीजें ध्यान रखनी। तो जैसे अंडर रूट के अंदर जो आइटम लिखा हुआ वो क्या, एक्स माइनस फाइव इंटू एल एन स्क्वायर एक्स माइनस थ्री, ये लिखा हुआ है, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ठीक है, सॉरी। और उसके बाद क्या है, लॉग, लॉग को भी खुश करना है। लॉग को अगर खुश करना है तो आप क्या साथ में दोनों को खुश करोगे ना, इधर भी इसको सेटिस्फाई करना है आपको और इसको भी डिफाइन करना है। तो लॉग का आर्ग्यूमेंट क्या है अपने पास, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री। लॉग का आर्ग्यूमेंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, अपने सबसे पहली क्लास में सीखा था लॉग की। और कुछ, ये एक्स माइनस फाइव के कोई नखरे है क्या, इसके कोई नखरे नहीं है। ये तो बोल रहा है कि कोई भी एक्स का वैल्यू रखो चलेगा, है ना। लॉग बोलता है कि जो भी एक्स का वैल्यू रखोगे मेरे सामने वो पॉजिटिव आना चाहिए, अल्टीमेटली आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव होना चाहिए। नाउ वी कैन सॉल्व दिस इनइक्वालिटी, इसको सॉल्व कर देते हैं ना, ज्यादा आसान है। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से, एक्स बिलोंगिंग टू थ्री टू इन्फिनिटी। एंड यहाँ पे आते, अभी आप ध्यान से देखिए कि मैंने आपको इनइक्वालिटी में क्या समझाया था, कि जो भी चीज़ पॉजिटिव होती है ना उसका इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। जैसे अपने सामने अगर ये लिखा है कि एक्स इंटू फोर दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, तो आप क्या करते हो बेसिकली, आप फोर से डिवाइड कर देते हो दोनों तरफ, ताकि ये आ जाए अपने पास एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, है ना। क्यों डिवाइड करा अपन ने चार से, क्योंकि चार पॉजिटिव था, समझ में आ रहा है। अगर चार नेगेटिव होता तो भी अपन डिवाइड कर देते, बस ये इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता। तो आपको करना क्या है, कोई भी पॉजिटिव नंबर आएगा तो उससे आप डिवाइड डिवाइड कर दो। तो ये एल एन स्क्वायर जो है, इट इज अ स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर स्क्वायर ऑफ ए नंबर पॉजिटिव है तो क्या करेंगे आप, इस चीज से डिवाइड कर दो, इस पूरी चीज से डिवाइड कर दो दोनों तरफ। तो बचेगा क्या आपके पास, आपके पास बचेगा सिंपली एक्स माइनस फाइव इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। लेकिन जब डिवाइड करा मैंने तो मैंने एक चीज का ध्यान रखा, क्या कि इक्वल टू जीरो तो जरूरी है ना, इक्वल टू जीरो अपने को चाहिए। तो यहां पर एक ऐसा वैल्यू आएगा जो कि लॉग को जीरो बना सकता है। लॉग जीरो कब होता है, जब उसके सामने वन आए, सॉरी जब उसके सामने वन आए। तो यहां पर लॉग के सामने वन कब आएगा, जब एक्स का वैल्यू चार हो जाएगा, चार माइनस तीन वन हो जाता है, तब जाके एल एन वन आएगा जो कि जीरो होता है। ठीक है, तो यहां पर आप चुपके से लिख दो कि एक्स इज इक्वल टू फोर को लास्ट में आप ऐड कर लेना। अरे अपन ऐसे ही करते थे ना इन इक्वालिटीज में, अगर आपको याद हो तो। जैसे मैंने आपको ये बताया था एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस थ्री दिस इज लेस देन और इक्वल टू जीरो, तो आप क्या करते हो, ये वाला जो आपके पास टर्म है इसको हटा देते हो। दो तरीके बताए थे, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ आज आपको, ताकि आपको तकलीफ ना जाए आगे। देखो ध्यान से, इसको करने के दो तरीके बताए थे। पहला तरीका मैंने क्या बताया था कि आप वेवी कर्व मेथड से करो, टू को मार्क करो, फिर थ्री को मार्क करो, और टू के ऊपर पावर कौन सा है, इवन पावर है, तो इस पर आप एरो लगा दो। फिर इसके बाद आपने वेवी कर्व बनाया और एरो पे आपको रिफ्लेक्ट करना है, तो ऐसे निकल जाओगे, तो प्लस माइनस प्लस। ठीक है, क्या चाहिए अपने को, लेस देन जीरो, लेस देन एक और इक्वल टू जीरो, मतलब आपको माइनस चाहिए। माइनस वाला एरिया कौन सा है, ये वाला, दो से लेकर तीन तक। और एक और चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे इक्वल टू जीरो भी लगा हुआ है, तो इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है, आपको पॉइंट टू भी चाहिए और थ्री भी चाहिए, समझ में आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंगिंग टू 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 थ्री बोथ इंक्लूडेड, ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि टू अलाउड है अपने को भाई, टू रखोगे अगर तो जीरो हो जाएगा, एल एच एस जीरो हो जाएगा, एल एच एस का जीरो होना जो है वो एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अच्छा एक तो ये मेथड होता था, और एक मेथड जो मैंने आपको बताया होगा वो ये होता था, देखिएगा ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स माइनस टू का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस थ्री, ये क्या आ गया, लेस देन जीरो, मतलब लेस देन और इक्वल टू जीरो आपको ये निकालना है ना। लेस देन और इक्वल टू जीरो, तो आप क्या करो, ये वाली चीज क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नंबर से आप डिवाइड कर दो दोनों तरफ, है ना। इसको मसाला मान लेते हैं, तो दोनों तरफ अपन ने क्या करा, मसाले से डिवाइड कर दिया, तो बचेगा क्या आपके पास, x माइनस थ्री इज लेस देन इक्वल टू जीरो, यहाँ से आप सॉल्व कर लो। ठीक है, आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा, एक मिनट रुकना है ना, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया क्या, ये नेगेटिव नेगेटिव आएगा ना, पॉजिटिव चाहिए था अपने को, तो थ्री टू इन्फिनिटी आएगा, है ना, मेरा ध्यान नहीं रहा था, इसको सही कर लेना। और यहाँ से वन सेकेंड, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव,
नेगेटिव चाहिए ना, तो अपना आंसर आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3, और 2 को इंक्लूड करना है, 2 तो इसमें ऑटो इंक्लूड हो गया ना, अपने आप इंक्लूड हो गया, और 3 भी इंक्लूड हो गया। यहाँ पे आएंगे तो अपना आंसर क्या आ गया, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3, और साथ में अपने को जो 0.2 है वो जबरदस्ती खुद से ऐड करना पड़ेगा मैनुअली। क्यों भाई? क्योंकि 0.2 पर ये 0 हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो एक्स बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी टू 3, इसमें 2 अपने आप आ गया है ना, ये मैंने आपको रिवाइज करा दिया। अब यहाँ पे आते हैं, ये वाला जो है दिस इज स्क्वायर ऑफ ए नंबर, स्क्वायर ऑफ ए नंबर जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव चीज से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास ये बचेगा, या तो ऐसा लिख लो इसको, या तो इसको ऐसा लिख लो, ठीक है। अच्छा, 4 को मेरे को जबरदस्ती ऐड करना है खुद से, क्योंकि 4 रखने पर देखो यहाँ 4 को कितना आएगा, 4 - 3 मतलब 1, ln 1 कितना होता है 0, और इक्वल टू 0 होना मंजूर है क्या? हाँ बिल्कुल मंजूर है, तो 4 को इंक्लूड करना पड़ेगा ना, क्योंकि 4 रखने पर अपने पास ये इनइक्वालिटी जो है वो सेटिस्फाई हो रही है, 0 तो बन ही रहा है। एंड इधर क्या, x बिलोंगिंग टू 3 टू इन्फिनिटी, ठीक है, दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, तो इंटरसेक्शन 3, 4, 5, 3, 4 को नहीं डालते अपन, 5 यहाँ पे डाल दो, 3 टू इन्फिनिटी ये बना दिया, हॉलो लगाया मैंने क्योंकि यहाँ पे ओपन ब्रैकेट था, यहाँ पे क्लोज लगाओगे, है ना। कॉमन रीजन क्या रहा है, ये वाला कॉमन रीजन आ रहा आपका 5 टू इन्फिनिटी, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 5 टू इन्फिनिटी। ये जो 4 आया था ना एलिमेंटल 4, ये भी हट गया अपने आप, क्योंकि मान लो आपने एलिमेंटल 4 को यहाँ पे मार्क किया हो, 3 टू इन्फिनिटी और एलिमेंटल 4, कॉमन रीजन में कहाँ फॉल कर रहा है 4, तो उसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, पहले ऊपर वाला जो है अगर आपको छापना है तो छाप लो, यहाँ पे क्या लिखा है, अगेन सेम चीज़ है, एकदम सेम क्वेश्चन है, कोई फर्क ही नहीं है इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में। अंडर रूट ऑफ मसाला, मसाला क्या होना चाहिए, अंडर रूट के अंदर की जो भी चीज़ हो कभी भी नेगेटिव ना हो पाए गलती से, ठीक है। तो अंडर रूट के अंदर का जो भी आइटम है उसको आप हमेशा ग्रेटर दैन 0 के लिए सॉल्व कर लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इंटू ln स्क्वायर ऑफ x माइनस 3, इसको सॉल्व कर लो आप ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 के लिए। फिर हमने जाके पॉलिनोमियल से पूछा कि तेरा कोई नखरा है क्या, बता भाई कोई ऐसा x है जो तुझे मंजूर नहीं है, पॉलिनोमियल बोलेगा कि अपन तो चले भाई कोई दिक्कत नहीं है, लॉग बोलेगा कि नहीं 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 इधर आओ इधर, हमारा जो आर्ग्यूमेंट है x माइनस 3 वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो लॉग की डिमांड को भी अपन ने पूरा कर दिया, दोनों की डिमांड साथ में पूरी होनी चाहिए ना, अंडर रूट भी एक खुश होना चाहिए और लॉग भी एट द सेम टाइम खुश होना चाहिए, एट द सेम टाइम का मतलब होता है एंड, है ना। ओके, बफरिंग होगी तो बताना मुझे ना, ठीक है। तो दोनों इक्वालिटी इनइक्वालिटी सॉल्व कर दो, ये क्या है स्क्वायर ऑफ ए नंबर, पॉजिटिव, पॉजिटिव तो डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 डिवाइड कर दो तो क्या बचेगा आपके पास इधर 0। अच्छा, एक चीज का ख्याल रखना मुझे कि इक्वल टू 0 जो है यहां से आ पाएगा क्या, जिस चीज से अपने डिवाइड करा, सोचो अगेन आपको x की जगह 4 रखना पड़ेगा, तो x की जगह 4 जो है वो अपन लास्ट में खुद से इंक्लूड कर देंगे। अच्छा, इसको फैक्टराइज करते हैं, 3 और 10 कैसे आएगा, 3 और 10 आएगा 5 और 2 से, तो 5 और 2 से कैसे आएगा, ये नेगेटिव चाहिए ना अपने को, तो x माइनस 5 और x प्लस 2, देखो माइनस 5 प्लस 2 3, हाँ सही, ठीक है। वेवी कर्व से इसको सॉल्व करोगे तो डायरेक्टली क्या जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर छोटा रूट इंक्लूडेड यूनियन बड़ा रूट से लेकर इन्फिनिटी, और ये 4 को जबरदस्ती खुद ही जोड़ दो, यूनियन इकलौता एलिमेंटल 4, क्लियर है। एंड यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, x इज ग्रेटर दैन 3, तो x belonging to 3 to infinity, clear है। अच्छा, अब intersection निकाल, and का मतलब क्या होता है intersection, ये ऐसे लिख लो, तो दोनों का intersection निकालना, पहले ये वाला set जो है इसको आप draw कर दो, सारे points mark कर दो, -2, 5, 4, -2, 4, 4 से पहले 3 आएगा, 5, इसको mark करते, minus infinity से लेकर -2 included, फिर 5 से लेकर इन्फिनिटी 5 भी इंक्लूडेड, और 4 को एलिमेंटल जोड़ना है खुद से, ठीक है। और ये वाला देखते हैं, 3 टू इन्फिनिटी, 3 पर देख रहे हैं ना आप, ओपन ब्रैकेट है, तो यहाँ पे हॉलो से स्टार्ट करेंगे, कॉमन क्या आ रहा है अपने पास, ये वाला आपको दिख रहा है, छोटा सा जो बिंदु था वो भी कॉमन रीजन के बाहर है, तो इसको भी अपने को इंक्लूड नहीं करना है, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 5 से लेकर इन्फिनिटी, एक मिनट, यहाँ पर देखो डार्क सर्कल था ना, तो 5 पे आप क्या करोगे, क्लोज ब्रैकेट लगाओगे, चलेगा। चलिए, तो ये दोनों क्वेश्चन अपन ने कर लिए, समझ लो इनको अच्छे से।
अगला लिखें डोमेन। डोमेन और रेंज में आपको सबसे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है ना। डोमेन और रेंज इज जस्ट लाइक इनइक्वालिटी। जैसे अपन इनइक्वालिटी पे कितना टाइम लगाया था, 3-4 हफ्ते लगाए थे, उसी तरह डोमेन रेंज पे अपन इतना तो नहीं लगाएंगे लेकिन काफी काफी टाइम लगेगा। तो इसका डोमेन निकालना है, e की पावर x माइनस 1 इंटू e की पावर x, छोड़ो ज्यादा नहीं देते, x माइनस 2 और x माइनस 3 ले लो। ठीक है, अगले क्वेश्चन में मैं आपको थोड़ा सा इसका मॉडिफाइड वर्जन बताऊंगा। इसका डोमेन निकालना है तो पहले आप देखो कौन कौन से फंक्शन है अपने पास। कौन सा फंक्शन है? अंडर रूट। एक तो अंडर रूट फंक्शन है, फिर उसके अंदर ये, ये और ये, ये तो तीनों क्या है, दो तो पॉलिनोमियल है, x माइनस 2 x माइनस 3, इनके कोई नखरे नहीं है। इसका कोई नखरा नहीं, इसका भी कोई नखरा नहीं, e की पावर x है ना, कुछ भी चलेगा। नखरा मतलब क्या होता है कि कोई भी x डाल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो क्या किया मैंने, हाँ अंडर रूट के अंदर वाला जो आइटम है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, और कोई कंडीशन नहीं है यहाँ पे, है ना, देयर इज नो अदर कंडीशन, सिर्फ एक कंडीशन है। अच्छा, ये इनइक्वालिटी सॉल्व करने में थोड़ी मेहनत है, ध्यान से देखना क्यों मेहनत है। अगर यहाँ पे e की पावर x की जगह सिंपली x होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फिर अपन इसको वीवी कर्व मेथड से सॉल्व कर लेते। लेकिन यहाँ पे वीवी कर्व मेथड लगाने से पहले अपने को कुछ सोचना पड़ेगा कि यार ये x, x वाली टर्म अपने को समझ में आता है, e की पावर x के लिए वीवी कैसे लगे। ठीक है, तो क्या करो, वीवी कर्व मेथड से ही सॉल्व करो, सॉल्व इट बाय वीवी कर्व मेथड। ध्यान से देखना है ना, अभी लिखना छोड़ दो। इस वाले फैक्टर का रूट क्या है, 3 को मार्क किया। इसका फैक्टर क्या है, 2, इसका रूट मतलब है ना, या इसका 0, इसका 0 है 3, इसका 0 है 2, मतलब यहाँ पे 2 रखोगे तो ये वाली चीज 0 हो जाएगी। ऐसे तो अपन मार्क करते थे, है ना, यहाँ पे 3 रखोगे तो ये वाली चीज 0 हो जाएगी, 2 3। अब यहाँ पे क्या रखे अपन, इस वाले फैक्टर पे आप कौन सा एक्स रखोगे कि ये वाली चीज जीरो हो जाए। सोचो, एक्स की जगह जीरो रखोगे तो क्या आ जाएगा, ई की पावर में जीरो, दैट इज वन, और वन माइनस वन क्या होता है, जीरो। अच्छा, मतलब एक्स इज इक्वल टू जीरो, इसका जीरो है, इसका रूट है, तो यहाँ पे जीरो मार्क करोगे। समझ में आ रहा है, इस पर्टिकुलर फैक्टर के लिए आपको जीरो मार्क करना है। इस तरीके से सॉल्व कर लो। अब आपको कभी भी यहाँ पे e की पावर x दिखे या log x दिखे या sin x दिखे तो आप बस ये सोचो कि ये वाला जो फैक्टर है ये जीरो कब होगा और उसको मार्क कर दो। अब नॉर्मल वीवी कर्व जैसे सॉल्व करते थे आप वैसे ही सॉल्व करो। जैसे अपन यहाँ से, कोई अपने पास इवन पावर नहीं है, सारे ऑड पावर है ना, 1 1 1, तो आपको रिफ्लेक्ट नहीं करना, बस क्रॉस करना है। ठीक है, प्लस माइनस क्या चाहिए अपने को, पॉजिटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब प्लस वाला इलाका, ये वाला इलाका और ये वाला इलाका, वो तो ले लेंगे अपन। लेकिन एक चीज और देखो आप यहाँ पे, कि इक्वल टू जीरो भी चाहिए अपने को। इक्वल टू जीरो चाहिए मतलब अपने को 1 2 और 3 तीनों को इंक्लूड करना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ जीरो आएगा, जीरो आएगा, तो 0 2 3 इन तीनों को इंक्लूड करना, तो तीनों पे मैंने डार्क लगा दिया। अब देखो कैसे लिखेंगे, ये वाला इलाका कैसे लिखोगे, 0 से 2 दोनों इंक्लूड करो या एक्सक्लूड करो, दोनों पे मैंने डार्क सर्कल लगा रखा ना, तो बहुत इंक्लूसिव आएगा। फिर क्या आएगा, 3 to infinity, यूनियन 3 to infinity। ठीक है, तो ये आपका डोमेन हो गया, लिख लो इसे। लिखिए डोमेन ऑफ e टू द पावर x इंटू 10 to the power x माइनस 1 इंटू x माइनस 2। ठीक है, करो उसको सॉल्व, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, एकदम पिछला जैसा क्वेश्चन है, मेरे को 1 मिनट में आंसर चाहिए और हर किसी का आंसर चाहिए। ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो टाइप ना करे, फटाफट आंसर बताओ। आई विल वेट, जो यूट्यूब पे देख रहा है वो पॉज कर ले। चलिए बताओ भाई आंसर, एक और क्वेश्चन लिख दूं मैं जब तक, आप बस ऊपर वाला सॉल्व करो, नीचे वाला मैं सॉल्व करूंगा।
ओके चलिए ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, समझना है ना। ये मसाला क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। आप लोगों के आंसर जो है वो मैं देख लूंगा कमेंट्स में, पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये वाला आइटम पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसका जीरो टू, इसका जीरो जीरो। देखो ना, टेन की जगह जीरो रखोगे तो वन आएगा, और टेन की पावर जीरो वन, वन माइनस वन जीरो, मतलब एक्स इज इक्वल टू जीरो जो है वो इसका पर्टिकुलर, इस पर्टिकुलर फैक्टर का जीरो है, ठीक है। और इसका जीरो कौन है? इसका जीरो कोई नहीं है। अरे तो बहुत इंटरेस्टिंग है, देखो ए की पावर एक्स कभी नेगेटिव होता है ना, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। क्या ये कभी जीरो होगा? नहीं, ये कभी जीरो नहीं होगा, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। ए की पावर एक्स हमेशा ग्रेटर, अरे ए की पावर एक्स का ग्राफ देख लो यार, ऐसा होता है ना। तो ये कभी नेगेटिव हो रहा है ना, ये तो हमेशा ऊपर है एक्स एक्सिस के, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर चीज कभी जीरो हो ही नहीं सकती, तो इससे अपन डिवाइड कर दे क्या, लफड़ा खत्म हो जाएगा ना, इससे डिवाइड कर देते। तो ए की पावर एक्स से आप दोनों तरफ डिवाइड करोगे अगर, तो इमेजिन कर लिया करो जब भी हम बोलो डिवाइड, है ना, आपको डिवाइड ऐसे ही करना है। चलिए तो डिवाइड कर दोगे तो बचेगा क्या, टेन की पावर एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। मार्क किया जाए नंबर लाइन पे, नंबर लाइन पे अगर आप मार्क करोगे तो इसका जीरो है जीरो, इसका जीरो है टू, तो जीरो मार्क किया, टू मार्क किया, कोई भी इवन पावर नहीं है, तो ऐसा प्लस माइनस प्लस। क्या चाहिए आपको? पॉजिटिव, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो भी चाहिए ना, ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो जीरो चलेगा, टू भी चलेगा, आंसर क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव वाले का, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन। तो ये हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू जीरो यूनियन टू टू इन्फिनिटी, ठीक है। किसी का भी आंसर नहीं आया था क्या ये वाला? देख लो भाई, आपको अगर इनइक्वालिटी आती है तो ही आपको ये सब चीजें आ पाएगी, इनइक्वालिटी नहीं आती तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओ। तो मैंने इनइक्वालिटी पे उस समय बहुत फोकस डाला भी था इसी वजह से, क्योंकि सारा खेल इनइक्वालिटी का कैलकुलस में, एक पॉइंट पे आके आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करनी ही है कुछ भी हो जाए, है ना। चलिए यहाँ पे दो अंडर रूट है, ऊपर वाला अंडर रूट और नीचे वाला अंडर रूट, दोनों एक साथ खुश होना चाहिए। तो क्या करें, ऊपर वाले अंडर रूट का आइटम क्या है? कॉस एक्स माइनस हाफ, कॉस एक्स माइनस हाफ, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और नीचे वाले अंडर रूट का आइटम क्या है? एंड इसका आइटम है एक्स इंटू वन माइनस एक्स, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, दोनों को सॉल्व कर सकते हो, ये तो आराम से हो जाएगा सॉल्व, ये तो कोई भी कर देगा। ये 1 माइनस एक्स को एक्स माइनस वन बनाना है ना, ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। एक्स माइनस वन बनाने के लिए आप माइनस वन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे, दोनों तरफ माइनस वन से मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक्स माइनस वन हो जाएगा, और माइनस वन मतलब नेगेटिव नंबर है, तो इनइक्वालिटी का साइन पलट गया, दिख रहा है यहाँ से, रिवर्स हो गया, ठीक है। ये तो डायरेक्टली बिना वेवी करके सॉल्व करता हूँ मैं, एक्स बिलोंग्स टू छोटे रूट से लेकर बड़े रूट तक। काफी लेट आंसर आया है आज, काफी लैगिंग चल रहा है अपना वीडियो। माइनस इन्फिनिटी टू जीरो यूनियन टू टू इन्फिनिटी, यूनियन की जगह यू लिख दिया करो आप, है ना, और माइनस इन्फिनिटी की जगह आई एन एफ इतना लिख दो बस चलेगा, ठीक है, माइनस आई एन एफ लिख दो चलेगा, ठीक है। आप लोगों के आंसर सही थे, तो ये आ जाएगा जीरो से लेकर वन। एंड ये वाला हिस्सा निकालते, क्या लिखा है? कॉस एक्स ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, कॉस एक्स माइनस हाफ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब कॉस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ। कॉस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ का मतलब क्या हो गया? ये कैसे सॉल्व करेंगे बताओ, कॉस एक्स हाफ से हमेशा बड़ा है, तो कौन कौन से एक्स आएंगे आपके पास, कौन कौन से एक्स आएंगे, इस चीज का ध्यान देना है। अच्छा एक चीज का ध्यान दो इधर, है ना, ये जो है x इंटू वन माइनस एक्स, ये डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में है तो इक्वल वाला पार्ट आपको हटा देना है अपने आप से, क्योंकि यार डिनोमिनेटर में इक्वल टू जीरो थोड़ी ना अलाउड है, इसलिए अपन सिर्फ जीरो टू वन देखेंगे, क्लियर है, जीरो टू वन। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, cos x ग्रेटर देन हाफ, बहुत आसान है cos x हाफ से बड़ा होना। आप क्या करो, cos x हमेशा ग्राफिकली देखो, जब भी आपको दिखाई देना कि cos x किसी नंबर से बड़ा है या छोटा है, हमेशा ग्राफ बनाओ, ठीक है। तो ग्राफ बनाते हैं अपन,
तो देखिए ये कॉस का ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉस। सबको पता है पॉइंट कौन कौन से होते हैं? क्या बात कर रहे हो, देखो ये जीरो होता है, ये क्या होता है 90 डिग्री, मतलब पाई बाय टू। पाई बाय टू लगभग लगभग कितना होता है 1.57। ठीक है, ये पॉइंट क्या हो जाता है, कॉस दोबारा जहां पर जीरो होता है दैट इज 3π/2, है ना। और उन दोनों के बीच में क्या आएगा, दोनों का एवरेज, तो पाई बाय टू और 3π/2 का ऐड करो कितना आ गया 4π/2, मतलब 2π। एवरेज लेने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे तो ये पाई, मतलब ठीक है अगर आपको ऐसा करना है तो, वरना तो सबको पता होता है वो पाई आएगा, है ना। जैसे ये चीज़ माइनस पाई आएगी, ये चीज़ माइनस 3π/2 आएगा। ठीक है, हाँ भाई, तो अब आपको देखना है कि कॉस एक्स हमेशा हाफ से बड़ा हो। पहले मुझे ये बताओ कि कॉस एक्स हाफ होता कब है, कौन से एक्स के लिए होता है हाफ? एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री, 60 डिग्री पर कॉस हाफ होता है। ठीक है, अच्छा तो 60 डिग्री को मैं ना ढूंढता हूँ यहाँ पर, 60 डिग्री कितना हो जाएगा रेडियंस में, कितना हो जाएगा 60 डिग्री, पाई बाय 3। तो एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 3, पाई कितना होता है 3.14, बाय 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, 100 को अपन ऐसे ही रखते हैं और इधर आ जाएगा 0, फिर 4, 1.04 के आसपास आ गया ना, 1.04। अच्छा चलिए, तो ध्यान देना है ना, कॉस एक्स जो है वो हाफ कहाँ पर होता है, पाई बाय 3, ये पाई बाय 2 है और यहाँ पे पाई बाय 3 आएगा। पाई बाय 2 कितना है 1.57 और पाई बाय 3 कितना है 1.4, है ना। तो ये हो गया पाई बाय 3 और ये हो गया माइनस पाई बाय 3। कॉस यहां पर भी हाफ होता है और यहां पर भी हाफ होता है। ठीक है, ध्यान से समझना है ना ये वाली चीज। आप तो कॉस एक्स को हाफ से बड़ा रखना है हमेशा, देख रहे हो आप, कॉस एक्स को हाफ से हमेशा बड़ा रखना है। तो कॉस एक्स का ग्राफ जो है वो हाफ के ऊपर वाला, देखो हाफ वाली लाइन ये है, इसके ऊपर वाली जो ऊपर वाला जो हिस्सा है ना ग्राफ का, यही वाला हिस्सा मुझे चाहिए क्योंकि यहीं पर cos x जो है वो हाफ से बड़ा आएगा। ठीक है, यहीं पर cos x हाफ से बड़ा आएगा। एक और चीज मैं आपको बता दूं बच्चों, देखो इधर क्या लिखा है, ये दूसरा वाला जो आपका कंडीशन था यहां से आया था, x इज बिलोंगिंग टू द सेट 0 to 1, 0 to 1 सेट पे बिलोंग कर रहा है x, तो जीरो पॉइंट ये रहा। अब दोनों का इंटरसेक्शन लोगे ना यार, अरे कॉमन सेंस की बात है भाई, अगर आप जो वहां से आंसर आएगा, यहां से जो भी आंसर आएगा उसका इंटरसेक्शन आप इसके साथ लोगे, है ना। तो इतना तो मुझे समझ में आ रहा है कि यहां से बहुत सारे आंसर आएंगे, एक तो ये वाला आंसर आएगा, फिर आप कॉस का ग्राफ जब आगे बनाओगे तो हाफ से बड़ा वाला पोर्शन यहां भी आएगा, तो ये वाले पूरे एक्स की वैल्यूज भी आएगी इधर, है ना, तो ये वाला पोर्शन भी आएगा और ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट पोर्शन आएंगे अपने पास, क्योंकि कॉस का ग्राफ बहुत बड़ा होता है ना। बट अपने को वो सब नहीं चाहिए, अपने को उन सबका इसके साथ इंटरसेक्शन लेना है। तो जब भी आप छोटा सेट लेते हो ना इंटरसेक्शन में, तो उस छोटे सेट पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। जैसे दिस सेट इंटरसेक्शन दिस सेट, क्या आएगा आंसर, ये वाला, क्यों, क्योंकि ये छोटा था ना, छोटा वाला जितना भी सेट होगा वही चीज़ कॉमन में आने वाली है, समझ में आ रहा है। तो छोटा सेट आपका ये 0 to 1 है और अपने को क्या करना है, 0 to 1 तक ही इंटरसेक्शन लेना है। तो 0 to 1 के बीच में ढूंढते, ये रहा 0 और 1 कहां पर आएगा, 5/3 था, 1.04, इसके जस्ट पहले यहां पर कहीं 1 आएगा। ठीक है, 1 radians, 1 radian 57 डिग्री होता है, आपको मैंने कल बताया था। तो ये 60 डिग्री है, 60 से जस्ट पहले 57 डिग्री पे मैंने मार्क किया है। तो 0 to 1 आपका x होना चाहिए पहली बात। तो देखो समझते अपने ना, देखो cos x हाफ से बड़ा होना चाहिए था, तो cos x हाफ से बड़ा यहां पर आ रहा है। अरे y का वैल्यू देखो ना, cos का वैल्यू आप ये वाला x रख दो, y क्या आएगा आपके पास, ये पॉइंट था आपके पास हाफ, इसका आंसर क्या आया, हाफ से बड़ा, जो भी है हाफ के ऊपर आया ना, ये हाफ के ऊपर तो आया, बड़ा है, ये रख दो, ये आंसर देगा आपको, ये भी हाफ से बड़ा आंसर है, समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या कि आप इनके बीच में, इन दोनों पॉइंट के बीच में कोई भी एक्स ले लो, आपका कॉस जो होगा वो हाफ से बड़ा आएगा। ठीक है, लेकिन हमको उसके साथ इंटरसेक्शन लेना है 0 to 1 के साथ, 0 to 1 के साथ आपको इंटरसेक्शन लेना है।
तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं बाय डिफॉल्ट 0 to 1 पे ही चेक करता हूँ ना। जब इंटरसेक्शन लोगे तो वैसे भी ये वाला हिस्सा तो अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा, कॉमन में आएगा नहीं, तो सिर्फ 0 to 1 चेक कर लेते, क्या दिक्कत है ना। तो 0 to 1 चेक करते हैं, 0 to 1 में देखते हैं अपने पास कि y का वैल्यू क्या क्या आएगा। y का वैल्यू आएगा ये, और 0 पर क्या आएगा ये, और 0 से 1 के बीच में y का वैल्यू आएगा ये वाला। क्या ये सारे वैल्यूज हाफ से बड़े? हाँ बिल्कुल, आप देख लो ना, रख के देख लो, ये वाला x रखो, आपको y क्या मिलेगा? कुछ ये वाला मिलेगा, हाफ से बड़ा, ठीक है, 0.5 से बड़ा आ गया, क्लियर है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0 to 1, ठीक है। अब दूसरी बात, मैं इसको दूसरे तरीके से अगर समझाऊंगा तो ज़्यादा बेटर तरीका जो मुझे लगता है ना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है यहाँ पर। अरे यार ज़्यादा इरेज हो जा रहे हैं। देखो भाई क्या लिखा है अपने पास कि cos x हाफ से बड़ा होना चाहिए, एक मिनट रुक जाओ, हाँ cos x हाफ से बड़ा होना चाहिए। तो कौन कौन से ऐसे x है जिसके लिए वो हाफ से बड़ा होगा, सोचो। पाई माइनस पाई बाई थ्री पे हाफ होता है, और पाई बाई थ्री पर भी ये हाफ होता है, तो इनके बीच के जितने भी x होंगे वहां पर ये क्या होगा, हाफ होगा। तो बेसिकली माइनस पाई बाई थ्री से पाई बाई थ्री के बीच में जितने भी एक्स है दो आर एक्सेप्टेबल, तो इस सॉल्यूशन इस सेट का या इस इनइक्वालिटी का आंसर क्या आ जाएगा, माइनस पाई बाई थ्री से लेकर पाई बाई थ्री तक, ठीक है। अच्छा इक्वालिटी भी लगी है तो क्लोज ब्रैकेट आना चाहिए, ठीक है। एंड और यहाँ से आंसर क्या आया था, एक्स बिलोंगिंग टू 0 to 1, ठीक है, ऐसे कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं। तो आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस पाई बाई थ्री कितना होता है, माइनस 1.05, और पाई बाई थ्री कितना होता है, 1.05। इंटरसेक्शन लेना है इसका 0 to 1 के साथ, ठीक है। मैंने आपको समझा दिया वो चीज़ है ना कि हाफ से बड़ा होगा, तो इन्हीं एक्स के लिए हाफ से बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका ग्राफ हाफ से ऊपर यहीं पर जा रहा है। चलो भाई तो दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, ओरली ले सकते हो आप दोनों का इंटरसेक्शन, ले लो इंटरसेक्शन, क्या लोगे इसका, देखो माइनस 1.05 प्लस 1.05, और ये लिखा 0 to 1, तो 0 यहाँ पे आएगा और 1 इसके जस्ट पहले आएगा, 0 to 1 ये मार्क कर दिया, और माइनस 1.05 से लेकर ये दोनों का कॉमन रीजन क्या रहा है ये, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सिंपली 0 to 1, दोनों में एक्सक्लूड होगा क्योंकि यहाँ पे एक हॉलो सर्कल है और यहाँ पर एक हॉलो सर्कल है, एक भी हॉलो होता है तो एक्सक्लूड हो जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, ग्राफिकली कैसे सोचते हैं अपन समझ में आ रहा है। ग्राफ समझ में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि सारे क्वेश्चन जो है मैं पर्टिकुलरली ग्राफ से करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ग्राफ से करने में टाइम नहीं लगता है। लिखिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, या तो कर्ली ब्रेसेस में एक्स है, दोनों एक ही बात है। देखो भाई इसको कैसे डिफाइन करते हैं अपन, देखिए इट इज डिफाइंड एज, y इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस में x, और कर्ली ब्रेसेस में x का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। देखो पहले अपने को समझना है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का मतलब क्या होता है ना, ये तो लिखने का तरीका हो गया, ऐसे लिखते, लेकिन ये कर्ली ब्रेसेस का मतलब क्या हो गया। आप दुनिया का को कोई भी नंबर उठा लो, जैसे 2.01, तो उस नंबर में एक इंटीजर वाला पार्ट होता है
और एक फ्रैक्शन वाला पार्ट होता है। तो जो इंटीजर वाला पार्ट होता है उसको अपन आई बोलते हैं और फ्रैक्शन वाले पार्ट को अपन एफ बोलते हैं, आई प्लस एफ। अच्छा एक और चीज़ है, मैं ऐसा ही बोल सकता हूँ कि दुनिया में अगर कोई भी नंबर हो है ना, तो उसका इंटीजर वाला पार्ट आप जी आई एफ से निकाल सकते हो और फ्रैक्शनल वाला पार्ट आप फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स से निकाल सकते हो। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2.01, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 2.01 कितना आ जाएगा 2, और 0.01 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आ जाएगा 0.1, समझ रहे हो। तो 2.01 दो चीजों से बना है, 2 से और 0.1 से। 2 क्या है उसका जी आई एफ और 0.1 क्या है उसका फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है, क्लियर है वाला पार्ट। तो आपको मैं दो चार रैपिड फायर एग्जांपल दूंगा तो आप करके बताना। जैसे कि मैं आपको दे देता हूँ 2.99, इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालिए। तो 2.99 का फ्रैक्शनल पार्ट आप कैसे निकालोगे, सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट लिख दो उसका 0.99 है ना, इंटीजर को आप साइड में कर दो। अब मेरे पास लिखा है 0.37, इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है आपको, तो कैसे निकालोगे, सिंपल 0.37 ये खुद ही फ्रैक्शनल नंबर है, नंबर ही बहुत छोटा है ना, 0 point something टाइप का नंबर है। अगर लिखा जाए अपने पास 7.96 तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा 0.96, समझ में आ रहा है। अच्छा नेगेटिव नंबर में थोड़ा सा फड़फड़ाहट होती है, देखो कैसे, अगर आपके सामने मैं लिख दूँ -1.3 तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.3 नहीं होगा, दिस वोंट बी 0.3, इसका फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा 0.7, समझ में आ रहा है। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि अभी फिलहाल कैसे इसको सोचो, आप 1.3 लिखा है ना, अच्छा अपना आंसर क्या होता है 0.3 है ना, बट अपना आंसर नेगेटिव में हमेशा गलत होता है, तो आप क्या करो 0.3 को 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट विल बी योर आंसर, है ना। अच्छा ये क्यों कर रहे हैं अपन अभी धीरे धीरे देखेंगे, ठीक है। लिखो एवरी नंबर एक्स कैन बी, एवरी रियल नंबर एक्स, एवरी नंबर एक्स बिलोंगिंग टू रियल सेट कैन बी रिटन एज x is equal to bracket x plus fractional part of x, ठीक है। हर नंबर को आप उसका इंटीजर वैल्यू और उसका फ्रैक्शनल वैल्यू पर तोड़ सकते हो, इस तरीके से आप उसको स्प्लिट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा तो ये पर्टिकुलर चीज आपको कभी याद रखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये कॉमन सेंस वाली बात है। अरे बिल्कुल कॉमन सेंस है, 2.01 को आप क्या लिखोगे 2 प्लस 0.1, 2 क्या है जी आई एफ, 0.1 क्या है, सॉरी 0.01 इधर है, 0.01 क्या है उसका फ्रैक्शनल पार्ट, समझ में आ रहा है। ओके तो यहां से फ्रैक्शनल पार्ट क्या आ जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आ जाएगा नंबर माइनस उसका जीआईएफ, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, ठीक है, लिख डालो इसको। और ये नेगेटिव वाला नंबर है ना, इसको सॉल्व करने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ट्राई करो, मतलब पहले लिखो आप फिर मैं इसका ग्राफ बताता हूँ आपको। उसका ग्राफ मैं एक बार बता चुका हूँ क्लास में, लेकिन एक और बार बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, तो -1.3 का अगर आपको जी आई एफ सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एनी नंबर कैन बी रिटन एज उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू माइनस सॉरी वो नंबर खुद माइनस उसका जी आई एफ, है ना, 1.3 है क्या, हाँ ये होता है। अभी तो सीखा x माइनस ब्रैकेट x, तो ये हो गया माइनस ऑफ 1.3 माइनस माइनस 1.3 का जी आई एफ कितना आ जाएगा -2, कल मैंने सिखाया था आपको। तो -1.3 माइनस माइनस प्लस 2, 2 माइनस 1.3 0.7 आ गया आपका आंसर 0.7, समझ में आया कैसे। तो आपको क्या करना है, नेगेटिव नंबर में आपका जो भी आंसर आए है ना, उसको आप हमेशा ध्यान रखें 1 माइनस करके लाना होता है। तो आप 0.3 ना दे, नेगेटिव वाले में आंसर आ जाएगा 1 माइनस 0.3। अगर आपको उससे भी ज्यादा दिक्कत होती तो आराम से ऐसे सॉल्व करो हर बार, ठीक है। चलिए डोमेन देखते हैं इसके अपन क्या आ जाएगी, बताइए भाई दुनिया में कोई भी ऐसा नंबर है जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स नहीं लेना चाहेगा या नहीं एक्सेप्ट करेगा, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिससे इसको आपत्ति होगी, है ना। रेंज रेंज कितना हो जाएगा, देखो फ्रैक्शनल नंबर है, फ्रैक्शनल नंबर का बड़े से बड़ा वैल्यू कितना होता है 0.99999, बहुत सारे 9, ये इसका सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगा। और फ्रैक्शनल नंबर का सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होता है 0, अरे समझ में आ रहा है ना। इसी चलो इसी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट बताओ क्या आएगा, यही आएगा खुद,
0.9 बार, समझ में आ रहा है? तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, सबसे मिनिमम वैल्यू कैन बी जीरो एंड सबसे बड़ा वैल्यू इसका जो हो सकता है वो वन हो सकता है ना। ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि वन एग्जैक्ट नहीं हो पाएगा ना। अरे भाई फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन फ्रैक्शन जीरो पॉइंट समथिंग टाइप का ही होगा, वन हो गया तो फिर काय का फ्रैक्शन, फिर तो इंटीजर हो गया ना, तो इसलिए अपन ने वन पे यहाँ पे ओपन लगा रखा है ना, ताकि वो जीरो पॉइंट, ये क्या, इसको आप चाहे ब्रैकेट पे लिख दो कि जीरो टू 0.9 बार ऐसा लिखा हुआ है ना। ये चीज मैं गरीब बच्चों के लिए बता रहा हूँ, अगर आप ढंग से लिख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कभी फ्यूचर में कंफ्यूज हो गए तो ठीक है, वरना तो वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो व्हाट इज दिस वाई, वाई कितना है भाई आपका, एक्स माइनस सॉरी वाई है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, और ये होता क्या है, नंबर माइनस उसका इंटीजर। अरे भाई नंबर में से उसकी इंटीजर निकाल दोगे तो बचेगा क्या, उसका फ्रैक्शन। नंबर में होते क्या, इंटीजर होता है फ्रैक्शन होता है, इंटीजर हटा दोगे तो क्या बचेगा, फ्रैक्शन है ना। अच्छा अब इधर देखो आप कि मेरे को इसका ग्राफ बनाना है, अगर है ना मैं इसका ग्राफ बनाना है तो आप जीआईएफ का ग्राफ याद करो, कल अपन ने जीआईएफ का ग्राफ पढ़ा होगा। तो जीआईएफ का ग्राफ जो अपन ने कल पढ़ा था, हैंग हो गया, हाँ ये रहा, दिस वाज द ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना, दो सेकंड रुक जाइए, ये ग्राफ था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, है ना, काफी क्वेश्चन इसका मिट गया अपने आप पता नहीं कैसे, ठीक है कोई बात नहीं। तो मैंने आपको ये चीज पढ़ाई थी, अब इसमें आप देखोगे अगर कि 0 से 1 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू कितना आता है, 0, सही। 1 से 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू कितना आएगा, 1, 1 से 2 के बीच में कितना आएगा, 1। अरे भाई 1 से 2 के बीच में नंबर होता किस टाइप का है, 1 पॉइंट समथिंग टाइप का, और 1 पॉइंट समथिंग टाइप का जीआईएफ कितना आएगा, 1। तो ये बोलने वाली बात जो है उसको जल्दी जल्दी दिमाग चलाओ कि 1 पॉइंट समथिंग टाइप का नंबर होगा तो उसका जीआईएफ कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है, याद रखना इस चीज को, है ना। ठीक है तो मैं क्या करता हूँ ना, इस चीज को इंटरवल्स में तोड़ देता हूँ, y इज इक्वल टू, इंटरवल्स में तोड़ देता हूँ, सबसे पहला इंटरवल मैंने जो लिया है दैट इज, पहला इंटरवल में ले लेता हूँ x जो है वो 0 से 1 के बीच में, ठीक है, 0 से 1 के बीच में, तो 0 से 1 के बीच में ये वाला नंबर यहाँ पे x रखो आप, 0 से 1 के बीच में x तो x आएगा, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जो होगा 0 से 1 के बीच में दैट विल बी डिफाइंड, वो डिफाइंड होगा कितना होगा, 0 से 1 के बीच में नंबर होता कैसा है, 0 पॉइंट समथिंग टाइप का होता है ना, तो इसका जी आई एफ कितना आएगा, 0, तो ये हो जाएगा x माइनस 0, समझ में आ रहा है, फॉर दिस पर्टिकुलर मैं ऐसे लिख देता हूँ x बिलोंगिंग टू 0 होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ आ जाओ, x रखो आप, फिर नेक्स्ट 1 से लेकर 2, 1 से लेकर 2 का नंबर कैसा, 1 पॉइंट समथिंग टाइप का, इसका जी आई एफ हमेशा 1 आएगा, तो x माइनस जी आई एफ का वैल्यू अपने को पता है कितना आएगा, 1, समझ में आ रहा है। x जो है वो अगर 2 से 3 हो जाए तो 2 से 3 का नंबर कैसा होता है, 2 पॉइंट समथिंग टाइप का, इसका जीआईएफ कितना आएगा, हमेशा 2 आएगा, तो यहाँ पे आप ब्रैकेट की जगह 2 रख सकते हो और x की जगह x ही रहने दो, क्योंकि यार अपने को थोड़ी ना पता कि नंबर क्या है, जो नंबर होगा उसकी जगह x आ जाएगा। अच्छा थोड़ा पीछे चलते हैं अपन, है ना, इधर आ जाओ, ये कितना 0 to 1 लिखा हुआ है, 0 to 1, अच्छा 0 to 1 के अलावा मैं इसके पहले इंटरवल जो आएगा वो आएगा -1 से लेकर 0, समझ में आ रहा है। अरे भाई नंबर लाइन पे 0 to 1 के पहले क्या आएगा, -1 to 0, जब -1 to 0 आएगा तो -1 to 0 में नंबर कैसा होता है, -1 point something टाइप का, कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं -1.44, इसका जीआईएफ बताओ कितना है, जिसने भी -1 सोचा हो, है ना, समझ जाओ, -1 नहीं आएगा -2 आएगा, तो यहाँ पे आपको क्या रखना है, -2, है ना, समझ में आ रहे, -1 to 0। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, नंबर यहाँ पे आएगा इस टाइप का, -0.73 इस टाइप का नंबर आएगा, इसका जीआईएफ कितना आएगा, -1, मैंने आपको बताया नंबर लाइन में लेफ्ट साइड जाना होता है,
माइनस 0.3 के लेफ्ट जाओगे तो आपको माइनस वन मिलेगा, माइनस वन विल बी आंसर। यहाँ पे रखो माइनस वन, माइनस माइनस वन, डायरेक्टली प्लस वन लिख दूँ मैं, एक्स प्लस वन। ओके चलिए ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। ग्राफ बनी गया, और क्या बचा है ग्राफ के लिए, इंटरवल्स में तोड़ तोड़ के ग्राफ बनाएंगे। आपको ये पता है x माइनस जीरो, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, ये सब क्या होता है समझा देता हूँ। सबसे पहले y इज इक्वल टू एक्स माइनस जीरो, मतलब सिंपली x, y इज इक्वल टू x कौन सा ग्राफ होता है, ये ग्राफ होता है ना। अब मैंने आपको कल ही समझाया था कि अगर आप x में कुछ ऐसे सब्ट्रैक्ट करते हो जैसे माइनस वन कर दिया तो क्या होगा, ये वाला ग्राफ जो होगा वो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट हो जाएगा, कितना, एक यूनिट। वर्टिकल शिफ्ट भी आप समझ सकते हो कि एक यूनिट ऊपर खिसक गया, जैसे माइनस वन को इधर भेज दोगे तो क्या बन जाएगा, वाई प्लस वन इज इक्वल टू एक्स। तो वर्टिकल शिफ्ट भी समझ सकते हो, बट इतना काहे लोड ले रहे हो आप, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट से करो। तो यही वाली लाइन जो है, इसका ये वाला चोच पकड़ो और यहाँ पर इसको शिफ्ट कर दो, तो आपके पास ऐसी लाइन बन जाएगी, ये है वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। ठीक है, फिर अगर मैंने एक्स माइनस टू करा तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ग्राफ हॉरिजॉन्टली टू पर चला जाएगा। अभी ये वन कॉमा जीरो है और ये टू कॉमा जीरो, ठीक है, ये फील आ रही है आपको, अगर इतनी फील आ रही है तो अपन फिर एलिजिबल है कि इसका ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, लिखना था क्या वो चीज, लिख लो, मैं यहाँ पे ग्राफ बना देता हूँ। ठीक है, इधर ग्राफ बना देते हैं इसका, वो मिटा दूंगा मैं ना, अगर लिखना हो तो लिख लो। तो देखो यहाँ से क्या है, यहाँ पे जब अपन इंटरवल लेते हैं 0 to 1 का, तो ये 0 है और ये 1 है, मान लो है ना, और ये 2 है, ये यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3। ठीक है, दिस इज 0, 0 to 1 का इंटरवल हो गया ये वाला। तो आपका ग्राफ कहाँ से क्या कैसा बनेगा, y is equal to x टाइप का ग्राफ बनेगा, y is equal to x टाइप का ग्राफ ऐसा होता है। लेकिन अपने को पूरा थोड़ी चाहिए, अपने को 0 to 1 चाहिए, मतलब अपने को बस इतना चाहिए, इतना ग्राफ। तो ये वाला पोर्शन जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का अनवांटेड है, और यहाँ से यहाँ तक का भी अनवांटेड है, तो इसको अपन हटा देते हैं, और इसको भी अपन हटा देंगे अभी। तो 0 to 1 तक का ग्राफ अपने को ऐसा बस इतना सा चाहिए, क्योंकि अपने को 0 to 1 के लिए ही y इज इक्वल टू एक्स का डेफिनेशन है ना। 1 से लेकर 2 पे फंक्शन की परिभाषा ही बदल जा रही है ना, वो x माइनस 1 हो जा रहा है, तो वो अपन देखेंगे। अच्छा, हॉलो और क्लोज देखते हैं। हॉलो मतलब क्या होता है, एक्सक्लूड करना, और डार्क मतलब क्या होता है, इंक्लूड करना। तो यहाँ पर क्लोज है, क्लोज मतलब इंक्लूड, तो 0 पर इंक्लूड करना है अपने को, तो 0 पर डार्क कर देंगे और 1 पे हॉलो कर देंगे, समझ में आ रहा है। इसी लाइन को आप 1 पर शिफ्ट कर दो तो अगला ग्राफ बन जाएगा सेम लाइन, इसको उठा के आप एज इट इज यहाँ पे रख दो, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। अभी तो बताया था मैंने x माइनस 1 ये वाली लाइन होती है, लेकिन अपने को कितना 1 से लेकर 2 के बीच में चाहिए, इतना चाहिए बस अपने को, तो इतना हिस्सा मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। फिर 2 से लेके 3, अब तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आपका ग्राफ एकदम ऐसे बनेगा। ये पॉइंट 2 से पास हो रहा है तो कितना हो जाएगा, y इक्वल टू x माइनस 2, ये हो गया x माइनस 3, ये कितना हो जाएगा x माइनस 4। अच्छा, ये कितना हो जाएगा, ये ऐसा बनेगा, और ये क्या है, माइनस 1, तो ये लाइन हो जाएगी y इक्वल टू x माइनस माइनस 1 विच इज x प्लस 1। ठीक है, इसको भी बना देते भाई, क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स माइनस माइनस 2, y इज इक्वल टू एक्स माइनस माइनस 3, चलेगा। अच्छा, आपको अगर नोटिस करना है तो आप एक चीज देख सकते हो, बता रहा हूँ कि ये जितने भी ग्राफ बने ना अपने, ये यहाँ पर खत्म हो जा रहे, ऐसा नहीं कि आकाश लोक तक जाएगा वो, पर यहीं पर खत्म हो जाएगा वो। ठीक है, सारे ग्राफ यहाँ पर खत्म हो जा रहे हैं। तो आप इतना बताओ मुझे कि इस ग्राफ की रेंज कितनी आ गई है, रेंज तो मैंने अभी भी बताया था ना आपको, रेंज क्या हो जाएगी इसकी, तो इसकी रेंज जो हो जाएगी वो होगी, सबसे छोटा वैल्यू है इसका 0 और सबसे बड़ा वैल्यू है 1, और 1 पे हर जगह हॉलो सर्कल लगे अगर आपको दिखाई दे रहा होगा,
तो 0 टू 1 आएगा और 1 को एक्सक्लूड करना पड़ेगा आपको, क्योंकि 1 पे बहुत सारे हॉलो सर्कल है। तो मैं सबसे पहले रेंज लिख देता हूँ, डोमेन के लिए जगह छोड़ देता हूँ। रेंज कितना आ जाएगा इसका, y बिलोंग्स टू 0 टू 1, 0 इंक्लूड करना है, 1 एक्सक्लूड करना है, डोमेन इज वेरी इजी। कोई भी ऐसा x नहीं है जहाँ पर फंक्शन का ग्राफ जो है वो डिफाइंड नहीं है, जैसे यहाँ पर। अब समझो इसका मतलब, अब इसका मतलब क्या होता है कि जब आपने x का वैल्यू 2 रखा, चलो आपने x का वैल्यू 1.5 रखा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये मतलब आप इस वाले ग्राफ पे आ गए, इस वाले ग्राफ पे 1.5 रख दो, आपका आंसर आ गया। सच बता रहा हूँ मैं, रखो x माइनस 1 है ना, x की जगह 1.5 माइनस 1, तो आपका आंसर क्या गया, 0.5। और 1.5 का जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो एक्चुअली 0.5 ही होता है ना, तो ग्राफ पे रखने से ये चीज अपने को पता चल जा रही है, ठीक है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे 2 रख दिया तो 2 पर आपको ग्राफ का वैल्यू यहाँ पर नहीं मिलेगा, इधर तो गड्ढा है ना, आपको 2 का वैल्यू कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, एक्चुअली यहाँ पे डार्क सर्कल है, तो इसलिए आपको 2 का वैल्यू क्या मिलेगा, 2 पर आपको वैल्यू क्या मिलेगा, 0। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 आपको क्या देगा, 0। अरे 0 तो है ये, गड्ढे का मतलब ये नहीं कि 2। वाई एक्सिस पर ये पॉइंट क्या, वाई एक्सिस पर इसको प्रोजेक्ट करो तो आप कहाँ जाओगे, यहाँ पर 0, ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 आएगा 0। लिख डालो इसको। अच्छा, ये ग्राफ सबको याद होना चाहिए, याद मतलब एक्चुअली याद होना चाहिए, रटा होना चाहिए आपको ये ग्राफ, बार बार थोड़ी ना डिराइव करेंगे अपन। और ये तीर जैसा ग्राफ होता है, एरोज जैसा, देखो हर इंटीजर में से एक तीर निकल रहा है और सारे तीर एक दूसरे के पैरेलल है। इक्वेशन लिखना तो बहुत आसान है, जहां से तीर निकल रहा है एक्स माइनस उतना, ठीक है। जैसे 3 से निकल रहा है तो एक्स माइनस 3 है ना, बहुत प्रैक्टिस करो उसको अकेले टाइम में, बार बार ग्राफ बनाओ आप लोग, 10 बार ग्राफ बनाओ और अपने आप से पूछो कि ये वाला पॉइंट तुमको आता है कि नहीं आता है, इसको भूल रहे हो याद रख रहे हो, ऐसा करोगे तब जाके ही आपको याद होगा ग्राफ, ठीक है। चलिए अगला करते हैं, डोमेन एंड रेंज ऑफ y इज इक्वल टू 1 अपॉन ब्रैकेट x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इसका डोमेन एंड रेंज निकालना है, ठीक है। तो पहले रेंज निकाल दो क्या, रेंज काफ़ी आसान है, क्योंकि बहुत आसान है, मैं रेंज निकाल देता हूँ, आप लोग डोमेन निकाल दो। रेंज निकालते हैं अपन इसकी। अच्छा बताओ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इसकी औकात कितनी होती है, 0 to 1। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो है, अरे देखो ना अभी तो बनाया था अपन ने, 0 to 1, इसके ऊपर ये ग्राफ जा ही नहीं पा रहा ना, 0 से 1 के बीच में फंसा हुआ है, और उसमें भी 1 इंक्लूड नहीं है और 0 इंक्लूड है ना, 0 इंक्लूडेड है, तो 0 to 1 इसकी औकात होती है और वो नीचे है, तो 0 to 1 ऐसा लिखा हुआ है ना, जो समझदार बच्चा होता है ना वो उसको ऐसा पढ़ता है, 0 to 0.9 बार, क्योंकि 1 पे ओपन था ना, तो ये आपके दिमाग में सेंस होना चाहिए, 0 to 0.9 बार चल रहा है, ठीक है। अच्छा तो मैं क्या करता हूँ, डोमेन आप लोग मुझे बताएंगे, डोमेन का मैं वेट कर रहा हूँ, है ना, रेंज में लिख रहा हूँ, रेंज देखते अपन। देखो रेंज आपको नीचे वाले का रेंज पता चल गया ना, तो ओवरऑल भी रेंज पता चल जाएगा, इसका रेंज क्या हो जाएगा, ये बिलोंग्स टू कर देना, वाई बिलोंग्स टू ये हो गया, तो 1/0 से लेकर 1/0.9 बार तक। अरे भाई एग्जैक्ट 1 तो होना अलाउड नहीं है ना, एग्जैक्ट 1 होना अलाउड नहीं है, तो ये इसका रेंज आ गया। अब 1/0 तो बड़ा उटपटांग लग रहा देखने से, तो समझ जाओ यार, एग्जैक्ट 0 तो अपन डिनोमिनेटर को वैसे भी नहीं होने देंगे, तो अपन यहाँ पे 0 की जगह एच लिख देते, एच लिख के आपको समझ में आ जाएगा, एच इज वॉट, एच इज अ वेरी छोटा नंबर, सबसे दुनिया का सबसे छोटा नंबर जो होता है वो एच होता है, बट 0 नहीं है। वन अपॉन एच कितना हो जाता है, इन्फिनिटी से लेकर 1/0.9 बार लगभग, अरे 0.9 बार और 1 दोनों में कितना ही डिफरेंस है, सेम ही तो है, 1 ही आएगा आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो इन्फिनिटी टू 1 आ गई आपकी रेंज, तो y की रेंज कितनी आ जाएगी, इन्फिनिटी टू 1, लेकिन अपन सजा के लिखेंगे ना अच्छे से, छोटा नंबर पहले और इन्फिनिटी बड़ा नंबर है वो बाद में, तो ये रेंज हो जाएगी। समझ में आ रहा है करते कैसे, पहले आपको अगर डिनोमिनेटर का रेंज पता है तो डिनोमिनेटर का रेंज लिख लो, फिर उसके बाद ऐसे तोड़ दो कि ये हो जाएगा इसका रेंज ऐसे, ये तो इन्फिनिटी होता है तो इन्फिनिटी पे आप क्लोज नहीं कर सकते, तो वरना मैं यहाँ क्लोज कर देता, और 1 पे अपने को ओपन रखना है, ठीक है। अच्छा डोमेन देखते हैं, कृति गाइस सेइंग दैट डोमेन शुड बी फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स का डोमेन, क्या ही बताऊं मैं आपको, आपको डोमेन की डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए तभी बता पाऊंगा ना मैं।
अरे भाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या है? आप मेरे को चलो एक बात बताओ ना, बहुत हुई बात, ये बताओ मुझे कि वाई इज इक्वल टू टेन एक्स, इसका डोमेन बताओ क्या आएगा, इसका डोमेन क्या आएगा? आप क्या बोलोगे कि ऑल रियल नंबर माइनस जहां पर ये टेन जो है वो दुखी हो जाता हो, टेन डिफाइंड ना हो। टेन कहाँ पर डिफाइंड नहीं होता? 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पर टेन डिफाइंड नहीं होता है, अपन ने पढ़ा था ना टेन 90 नॉट डिफाइंड होता है, और उसका रीजन वीजन सब अच्छे से देखा था अपने। लेकिन सिर्फ 90 थोड़ी होता है, और भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं अपने पास। तो आप क्या लिखोगे कि एनी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, है ना, ये सब हटा दो। तो डोमेन का मतलब ये होता है, ये हो गया डोमेन, अब दिस इज द डोमेन, जो जो एक्स यहाँ पे आप रख सकते हो वो डोमेन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये वाले एक्स नहीं रख सकते थे पाई बाई टू वाले, तो ये डोमेन नहीं होगा, डोमेन में से हट जाएगा। अब यहाँ पे आ जाओ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, यहाँ पर मुझे बताओ आप कौन सा एक्स नहीं रख सकते हो। अरे भाई कोई भी एक्स रख दो, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स हर बार आपको कुछ ना कुछ तो देगा। आप यहाँ पे रख दो 5 रख दो, तो 5 का फ्रैक्शन कितना होता है? 0। 5 का फ्रैक्शन पार्ट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका डोमेन आ गया एक्स बिलोंगिंग टू आर, इसमें कुछ ज़्यादा समझने का है ही नहीं, है ना। तो दो लोगों ने आंसर दिया डोमेन का, दोनों का गलत है अभी तक, बट मैं आपको एक बार समझाता हूँ डोमेन क्या होता है। सिंपली अब डोमेन आपको फ्रैक्शनल पार्ट का नहीं निकालना है, हाँ अब आपको डोमेन निकालना है 1/फ्रैक्शनल पार्ट का, आपको 1/फ्रैक्शनल पार्ट का डोमेन निकालना है। 1/फ्रैक्शनल पार्ट का डोमेन निकालना है, तो आपको ये देखना है कि ये वाली चीज के लिए क्या चीज एक्सेप्टेबल है और क्या नहीं है। तो व्हाट इज नॉट एक्सेप्टेबल, ओनली थिंग बीइंग डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बीइंग जीरो, है ना, डिनोमिनेटर जीरो ना हो जाए। तो क्या आ जाएगा? ऑल रियल नंबर माइनस वो वाले पॉइंट जहां पर ये वाला फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स डिनोमिनेटर है, यही तो डिनोमिनेटर है, जहां पर ये जीरो हो रहा है वो वाले पॉइंट अपने को हटाने पड़ेंगे। तो ये कहां पर जीरो होता है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कहां पर जीरो होता है बताइए मुझे, किन एक्स के लिए जीरो होता है? सिर्फ जीरो के लिए होता है क्या? ना, आप वन रखो, यहां वन रखो, वन का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा? जीरो। अरे वन इंटीजर है भाई, इंटीजर में काय का फ्रैक्शनल पार्ट, है ना। टू रखो यहाँ पे, टू का फ्रैक्शनल पार्ट फिर से जीरो। थ्री रखो, थ्री का फ्रैक्शनल पार्ट जीरो। माइनस वन रखो, माइनस वन का फ्रैक्शनल पार्ट भी जीरो। तो ये जीरो कब कब हो रहा है? जब जब एक्स इंटीजर हो रहा है, जब जब एक्स इंटीजर हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1/फ्रैक्शनल एक्स का डोमेन क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर माइनस द सेट ऑफ इंटीजर्स, ऐसा लिखो आर माइनस आई, ठीक है। आई भी लिखते हैं, कभी कभी जेड भी लिखते हैं, है ना, जो भी आपको मिल जाए, ठीक है। तो हो क्या रहा है यहां पे, अपन ने देखा कि डिनोमिनेटर जीरो ना हो पाए। देखो भाई डोमेन और रेंज में अपने को एकदम एक्सपर्टीज चाहिए, तभी आपको आगे मजा आएगा, बता रहा हूं मैं। डोमेन और रेंज उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी था। तो आपको दिख रहा है ना अभी इनइक्वालिटी नहीं आता है, भूल गए थोड़ा भी, तो कितना स्ट्रगल हो गया, बढ़ गया आपका। चलिए इधर आ जाओ, आपको निकालना है फाइंड द डोमेन इन रेंज ऑफ लॉग ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स टू द बेस 10, ठीक है। चलो ट्राई करते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, है ना। चलो आपको कुछ भी नहीं सोचना है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स या भाड़ में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को मत सोचो, ये सोचो ये क्या है अभी, लॉग का आर्ग्यूमेंट है। आप इसको सोचो लॉग का आर्ग्यूमेंट है, और लॉग का आर्ग्यूमेंट क्या है यहाँ पे? ये, और लॉग का आर्ग्यूमेंट हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। आया समझ में? मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। नॉट इवन ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो भी, अरे जीरो भी अलाउड नहीं है लॉग के आर्ग्यूमेंट में। तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होते ही, अरे दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, देखो ना यार इसकी औकात ही कितनी है, 0 to 1 ही तो है, 0 to 1 है, और ये 0 to 1 मतलब वाई एक्सिस के ऊपर, मतलब पॉजिटिव। तो ये तो हमेशा पॉजिटिव है, कोई भी एक्स रख दो एक्सेप्ट 1, 2, 3, 4, ये वाला एक्स रखोगे ना तो ये जीरो हो जाता है। अरे देखो ना भाई, आपने अगर 1 रखा तो आंसर क्या आया? 0। अगर आपने 1.5 रखा तो आंसर क्या आया? ये है ना, ये आंसर है विच इज 0.5। समझो जरा बात को, अगर आपने 0.5 रखा तो 0.5 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा? उसका फ्रैक्शनल पार्ट भी आएगा 0.5, सेम आएगा सेम। लेकिन अगर आपने 1 रखा तो 1 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा? 0। 2 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा? 0। ये छोटी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली मैंने आपको बताया कि इसके औकात ही पॉजिटिव है, लेकिन बस ये जीरो ना हो पाए।
तो क्या आएगा, ऑल रियल नंबर आप कुछ भी रख दो, बस इंटीजर्स मत रखो, है ना, माइनस सेट ऑफ इंटीजर, क्योंकि इंटीजर पर फ्रैक्शनल पार्ट जीरो हो जाता है ना। ये किसी पांचवी क्लास के बच्चे को बताया जाएगा, वो भी समझ जाएगा कि इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट जीरो होता है, इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट जीरो होता है, लाइक दैट। ठीक है, तो इसकी डोमेन क्या होगी, ये डोमेन होनी चाहिए थी कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स पॉजिटिव हो। हमने बोला कि सर हमको तो पता ही कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का आउटपुट, इसका आउटपुट हमेशा पॉजिटिव ही आता है, है ना, इसका आउटपुट हमेशा पॉजिटिव ही आता है, बट इंटीजर पे ये थोड़ा नखरे दिखा देता है, इंटीजर पे ये जीरो हो जाता है, और लॉग को जीरो पसंद नहीं है, तो लॉग ये यहाँ पे आप इंटीजर नहीं रख सकते, वरना देखो यहाँ पे कोई भी इंटीजर डालो, यहाँ पे सेवन डाल दो, तो लॉग टेन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ सेवन क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ सेवन कितना होता है, हाँ जीरो, लॉग ऑफ जीरो डिफाइंड है क्या, नो नॉट डिफाइंड, नॉनसेंस, दिस इज नॉनसेंस, दिस इज नॉट डिफाइंड। और अगर मैं बोलूँ कि कोई नेगेटिव नंबर डालो, चलो माइनस ऑफ 7.3 डाल दिया, माइनस 7.3 टू द बेस 10, आप बोलोगे सर नेगेटिव नंबर भी तो नहीं चाहिए लॉग को, अरे भाई नेगेटिव नंबर नहीं डाला मैंने, नेगेटिव नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट डाला है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस 0.73 कितना आ जाएगा बताओ, 0.7 नॉट 0.3, 0.7 टू द बेस 10, दिस इज डिफाइंड, ये डिफाइंड है, तो ये मैंने रेफर किया है, मैंने उसको मिटाता नहीं हूँ, मैं लिख देता हूँ, ध्यान रखें इस बात का, है ना, तो सब नंबर चलेंगे, लेकिन अगर आप इंटीजर डाल दोगे तो लॉग जीरो आ जाएगा, लॉग जीरो बिल्कुल डिफाइंड नहीं होता है ना। डाउट्स पूछते रहो आप लोग, जितने भी डाउट है, क्योंकि यार देखो आपके डाउट है, आपकी जिम्मेदारी है ना पूछने की, और आप, मैं तभी क्लियर कर पाऊंगा जब आप पूछोगे, तो आपको बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना है डाउट पूछने से। आगे बढ़ते हैं, हाँ इसका रेंज नहीं बताया ना अपने, रेंज देख लो पहले, रेंज देखो कैसे निकालते हैं, रेंज निकालना थोड़ा मुश्किल होता है थोड़ा सा। अच्छा देखो, ये y इज इक्वल टू लॉग ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x टू द बेस 10, ठीक है। अच्छा इसकी औकात अपने को पता है ना, तो अगर लॉग के अंदर जो चीज आ रही है उसकी औकात पता है, तो अपने को लॉग की औकात भी पता चल जाएगी, है ना, मतलब आप जो खाना खा रहे हो उससे डिफाइन होगा ना कि आप कैसे हो, तो लॉग जो एक्चुअली लॉग को जो फीड किया जा रहा है वो अपने को पता है, लॉग को क्या फीड कर रहे हैं अपन, जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आपको बाहर निकाल के दे रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की औकात कितनी, 0 to 1, ये बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, अगर आप नॉर्मली सोचो फ्रैक्शन जो होता है वो 0 to 1 ही तो होता है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की औकात कितनी है, 0 to 1, तो लॉग के अंदर रखा क्या जा रहा है, लॉग के अंदर एक ऐसी क्वांटिटी रखी जा रही है जो 0 to 1 वेरी कर रही है ना, लॉग के अंदर अपन ने जो चीज रखी है वो 0 to 1 नाच रही है। लॉग का बेस कितना है, 10, मेरे को लॉग का ग्राफ रटा हुआ है, अगर आपको नहीं रटा हुआ है तो बहुत शर्म की बात है, अभी तक रट जाना चाहिए, लॉग का ग्राफ ये होता है ना, व्हेन बेस इज ग्रेटर देन 1, बेस 1 से छोटा होता है तो ग्राफ ऐसा होता है, यहीं से गुजरेगा ये वाले पॉइंट से, ये पॉइंट कितना होता है जल्दी बताओ, 1,0, क्यों भाई 1,0, अरे भाई लॉग एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, मतलब यहाँ पे लॉग 0 हो रहा है, और लॉग 1 का 0 होता है, लॉग ऑफ 1 0 होता है ना, इसलिए ये पॉइंट 1 है, ठीक है। खैर लॉग ऑफ बेस 10 का ग्राफ बना दिया मैंने, दिस इज द ग्राफ ऑफ लॉग ऑफ समथिंग टू द बेस 10, x टू द बेस 10, और x है क्या, x ऐसा क्वांटिटी है जो 0 to 1 है, मतलब log का आर्ग्यूमेंट जो है वो 0 to 10 है, और log का आर्ग्यूमेंट कहाँ पर रिप्रेजेंट होता है, x एक्सिस पर, log का आर्ग्यूमेंट 0 to 10 है अगर, तो ये रहा आपका पॉइंट 0 to 1, तो 0 से लेकर 1 ये दिया जा रहा है log को, अच्छा log को ये खिलाया जा रहा है, है ना। अच्छा एक चीज तो अपने को पता है कि जीरो लॉग कभी खाएगा नहीं, है ना, लॉग ऑफ जीरो नॉट डिफाइंड होता है, और इसीलिए अपन ने डोमेन से सारे इंटीजर वैसे भी हटा दिए, तो इस बात से आप बेफिक्र हो जाओ कि यहां पर कभी जीरो आएगा भी, कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि अपन ने इंटीजर हटा दिए,
तो बचता क्या अपने पास, जीरो से जस्ट बड़ा नंबर। जीरो से जस्ट बड़ा नंबर क्या आएगा, ये वाला, यहाँ से लेकर वन तक। आपको जो मतलब आपको नहीं, लॉग को इनपुट दिया जा रहा है, तो लॉग आउटपुट कितना देगा, जीरो से जस्ट बड़े पर लॉग का आउटपुट आएगा। देखो ध्यान से, सब कुछ अपने सामने ही है, आपको कुछ करना ही नहीं है। जीरो से जस्ट बड़ा नंबर एक्स पे रखना है, और वाई पर आपको क्या मिलेगा, ये मतलब क्या हो गया, इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी, सॉरी नीचे माइनस इन्फिनिटी ना, माइनस इन्फिनिटी। और वन पर लॉग क्या होता है, वन पर लॉग होता है जीरो, ठीक है, वन पर लॉग जीरो होता है। जीरो पर क्लोज ब्रैकेट है, बट जीरो पर आ कितना है रहा आंसर, माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी को मैं चाह के भी क्लोज नहीं कर सकता हूँ। और वन पर ओपन ब्रैकेट है, तो वन पर आ कितना रहा है आंसर, लॉग वन। लॉग वन कितना, जीरो। जीरो को मैं ओपन ही रखूंगा, तो आपका रेंज आ जाएगा वाई बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। बहुत ही बढ़िया, शानदार, जितने भी लोगों ने बताया, आदित्य नवले ने बताया ना, गुड, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। ठीक है, क्वेश्चन और मुश्किल करूं मैं, मना कर रहे हो आप, तो चलो नहीं करता हूं। लिखो भाई, आपको आज बहुत हैवी होमवर्क मिलने वाला है ना, तो अपन प्रीवियस चैप्टर से ब्रेक लेंगे, मतलब जो डीपीपीज चल रही थी अपनी, 8 DPPs होगी अपनी, अपन विल जस्ट टेक अ ब्रेक एंड वी विल सॉल्व फंक्शन। मंडे से 9th DPP करेंगे, है ना, और 10th DPP अपन थोड़ा लेट करेंगे जब अपने को रिविजन की जरूरत पड़ेगी, या मन हुआ तो कर लेंगे, देखेंगे। फाइंड डोमेन एंड रेंज। डोमेन और रेंज में बता रहा हूँ, बहुत मेहनत करो बच्चों, इसमें नहीं आता अच्छे अच्छे लोगों को डोमेन, डोमेन निकालना तो फिर भी आ जाता है, रेंज में सब फड़फड़ा जाते हैं। तो डोमेन एंड रेंज ऑफ ये वाला फंक्शन, y इज इक्वल टू साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ब्रैकेट x, ठीक है। ये ब्रैकेट का मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ना, आपको हमेशा क्वेश्चन पे ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, इसका मतलब होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और इसका मतलब होगा फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये आपको स्पेसिफाई किया जाएगा, वरना हमको क्या पता है कि कौन सा ब्रैकेट कौन सा क्या है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ y इज इक्वल टू दिस पर्टिकुलर थिंग। मैं पहले डोमेन निकालता हूँ, आप लोग ट्राई करना चाह रहे हो क्या, पक्का कर लोगे, आप समझो यार। देखो साइन को क्या खिलाया जा रहा है, साइन को फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x खिलाया जा रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो उल्टी करेगा वो साइन को फीड किया जाएगा, वो साइन को इनपुट के रूप पे दिया जाएगा, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की उल्टी जो होती है वो 0 to 1 होती है ना, समझो थोड़ा सा, है ना, ज़्यादा लिटरल सेंस में मतलब, ये कितना उल्टी करेगा, 0 to 1, 0 closed 1 open, क्योंकि फ्रैक्शनल है ना भाई। तो साइन को मिल क्या रहा है, साइन को खाने पर मिल रहा है 0 to 1, अच्छा, और उसका भी जो आउटपुट आएगा ना, उसका मेरे को क्या लेना है, GIF लेना है। अरे बाप रे, कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, 2 पौड़ी का सवाल है। देखो आपको साइन को फीड कराना है 0 to 1, तो साइन का ग्राफ बना दो, साइन का ग्राफ जो होता है वो ये चालू होता है और ये खत्म होता है, ये हो गया 0, ये पॉइंट कितना हो गया साइन ऑफ पाई, और ये पॉइंट हो गया साइन ऑफ 2π, ठीक है। पाई कितना होता है बच्चों, 3.14। आपको क्या करना है, साइन को 0 से लेके 1 तक का खाना खिलाना है, तो 0 included और 1 कहां पर आएगा, देखते हैं ना, देखते हैं, ये कितना आ गया π/2, ये तो π/2 होता ही है, π/2 इज अप्रॉक्सीमेटली 1.57, मतलब 1 इसके पहले आएगा, 1 यहां कहीं आएगा मान लेते हैं ना, ये है आपका 0.1। तो साइन को अपन जो चीज इनपुट दे रहे हैं, साइन को इनपुट क्या आ रहा है, 0 to 1 का इनपुट आ रहा है, तो 0 से लेकर 1 ये इनपुट दिया जा रहा है, 1 पे ओपन और 0 पे क्लोज, 0 पे क्लोज और 1 पे ओपन, ये मजा नहीं आया ज्यादा, 0 पे क्लोज और 1 पे ओपन, ऐसा। तो साइन आउटपुट कितना देगा, साइन आउटपुट देगा, इनके बीच में आपको आंसर कहां से कहां तक मिलेगा, यहां तक। तो आपको साइन जो आउटपुट देगा वो 0 से लेकर यहां तक आउटपुट देगा, समझ पा रहे हो। अच्छा ये पॉइंट का वैल्यू क्या है, ये मेरे को बता दो, मैं मान जाऊंगा आप लोगों को। अच्छा ये पॉइंट का वैल्यू क्या है, ये पॉइंट का वैल्यू है 1, क्यों भाई, क्योंकि 90 डिग्री है ना भाई, साइन 90 कितना होता है, 1 बोलो या फिर साइन ऑफ π/2 बोलो, एक ही बात है, सही बात है। तो इसको आप क्या बोलोगे,
जैसे ये पॉइंट था पाई बाई टू, तो ये क्या आ गया साइन पाई बाई टू, और ये पॉइंट अगर वन तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा साइन ऑफ वन रेडियन, ये है साइन ऑफ पाई बाई टू रेडियन। ऑल्दो अपन रेडियन बनाते नहीं है, रेडियन का साइन बनाते नहीं, वो सेल्फ अंडरस्टूड होता है। तो ये हो गया साइन ऑफ वन रेडियन। तो आपने अगर साइन को जीरो टू वन का खाना खिलाया तो साइन ने आउटपुट क्या दिया, उसने आउटपुट दिया जीरो टू साइन वन, ध्यान रखिएगा ना इस चीज का। तो यहां पर ये वाली जो क्वांटिटी वो कितनी बन रही है, वो बन रही है जीरो से लेकर साइन ऑफ वन रेडियन, है ना। वाई बिलोंग्स टू को साइन लगा दो बिकॉज हमने उसको रेंज के टर्म्स में लिख रखा है। अच्छा, जीरो टू वन का आपको जी आई एफ लेना है, जीरो टू साइन वन का। साइन वन तो अब हर कोई जानता है, साइन ऑफ वन रेडियन इज नथिंग बट साइन ऑफ 57 डिग्री। वन रेडियन 57 डिग्री होता है, ये कल अपन ने पढ़ा था 57 डिग्री। चलो एक काम करो, आप मुझे बताओ कि साइन ऑफ 60 डिग्री कितना होता है। साइन ऑफ 60 डिग्री कितना होता है, रूट थ्री बाय टू। साइन ऑफ 60 डिग्री होता है रूट थ्री बाय टू, और रूट थ्री बाय टू अगर आप निकालोगे, रूट थ्री बाय टू जो होता है वो कितना हो जाएगा 1.73 डिवाइडेड बाय टू, है ना। चलो लगभग लगभग इसका अगर मैं आंसर निकालना चाहूँगा, 2 8 16, 2 6 12 5 10, 8.865, सॉरी 0.865, सही बात है। तो सुनो मेरी बात, जब साइन 60.8 होता है तो साइन 57 डेफिनेटली 0.8 से छोटा होगा, है ना। मैं कुछ वाइल्ड सा अज्यूम्शन मान लेता हूँ, 0.75 ऐसी मान लिया कुछ भी यार, है ना, 0.75 मान लिया मैंने साइन ऑफ वन रेडियन। तो जीरो से लेकर 0.75 एक नंबर लिखा हुआ है अपने पास, इसका आपको जी आई एफ लेना है, है ना। फिर से समझा रहा हूँ मैं एक एक चीज़ स्टार्टिंग से, देखना ध्यान से। साइन को क्या फीड किया जा रहा है, साइन को वो फीड किया जा रहा है जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स एक्चुअली आउटपुट के रूप में दे रहा है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आउटपुट कितना दे रहा है, जीरो टू वन। तो साइन को मिल क्या रहा है, ये मिल रहा है साइन को जीरो टू वन। तो साइन दे क्या रहा है, साइन दे रहा है ये, और ये है क्या, जीरो से साइन वन, है ना। अच्छा, साइन वन क्या होता है वो मैंने लगभग लगभग अंदाजे से बताया कि 0.7 होता होगा। क्यों भाई, अरे कॉमन सेंस नाम की चीज़ होती है ना, जब साइन 60.8 होता है तो साइन 57 कितना होता होगा, 0.75 के आसपास, या 0.7 ही हो, कितना भी होगा फर्क थोड़ी पड़ता है। अब देखो 0 टू 0 ये कितना आ गया रेंज, अंदर जो फंक्शन लिखा है आपके पास इस ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है वो कहाँ से कहाँ तक नाच रही है, 0 टू 0.75। तो इसका जी आई एफ तो हमेशा जीरो आएगा, सोच के देख लो, आप 0 to 0.75 के बीच में कोई भी नंबर ले लो, हर किसी का जी आई एफ जीरो आएगा। तो आपको आउटपुट कभी भी जीरो के अलावा कुछ और नहीं मिलेगा, आउटपुट विल ऑलवेज बी जीरो। तो रेंज, आउटपुट मतलब रेंज, रेंज कितना हो गया आपका, वाई बिलोंगिंग टू जीरो। डोमेन की बात करना है तो डोमेन मेरे को जहां तक लगता है बहुत आसान है, डोमेन आ जाएगा एक्स बिलोंगिंग टू ऑल रियल नंबर, ऐसा मेरे को ऐसा मेरा मानना है, ऐसा आपका भी मानना होना चाहिए। देखो बता देता हूँ मैं कैसे, डोमेन मतलब आपको ये सोचना है बच्चों कि क्या कोई भी ऐसा एक्स है जिसको रखने से साइन पगला जाएगा। सोच के देखो, कोई भी ऐसा एक्स है जिसको साइन, अरे साइन कभी नहीं पगलाता, टैन पगलाता है। टैन के अंदर अगर आपने 90 डिग्री रख दिया या 90 डिग्री का कोई भी मल्टीपल रख दिया, ऑड मल्टीपल, तो वो पगला जाएगा। बट साइन के अंदर कुछ भी रखो, कोई दिक्कत नहीं है, सही। तो एक्स आप कुछ भी रख सकते हो, एक्स बिलोंगिंग टू आर। चलो क्वेश्चन नहीं करते, मैं थोड़ा प्रॉपर्टीज बताता हूँ आपको, लेकिन प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो होती है वो ये होती है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस सम इंटीजर नालायक, ये होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के बराबर, वेयर नालायक बिलोंग्स टू एन इंटीजर, ठीक है। प्रूफ चाहिए तो बता दूंगा, वैसे मेरा मन नहीं बताने। देखते हैं,
एक तो होता है सस्ता प्रूफ और एक होता है महंगा प्रूफ। तो पहले मैं सस्ता प्रूफ बता देता हूँ। थिंक ऑफ एनी नंबर, कोई भी नंबर सोचो। मैं सोचता हूँ ना, मैं सोच के कोई भी रैंडम, एनी रैंडम नंबर, पॉजिटिव और नेगेटिव आई डोंट केयर, बट मैं पॉजिटिव रखता हूँ क्योंकि पॉजिटिव नंबर थोड़ा जल्दी समझ में आते। 3.57 लेट अस से, है ना, ये मैंने एक्स की जगह रखा। और नलायक क्या है? एक इंटीजर। अच्छा, तो नलायक की जगह कोई इंटीजर रख देते 2। तो 3.57 प्लस 2, इन दोनों का फ्रैक्शनल पार्ट। कहने का ये मतलब है कि अगर साथ में कोई इंटीजर एडेड है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो। आप इसी का फ्रैक्शनल पार्ट निकाले, इसको इग्नोर कर दे, क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं होगा, 2 का कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं होगा। तो दिस विल बी एज गुड एज 3.57 का फ्रैक्शनल पार्ट, विच इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। देखो ना, आप दोनों को ऐड करो कितना आ जाएगा, 5.57। 5.57 का फ्रैक्शनल पार्ट और 3.57 का फ्रैक्शनल पार्ट आप सोचोगे तो सेम आएगा। इसका फ्रैक्शनल पार्ट आएगा 0.57, इसका फ्रैक्शनल पार्ट आएगा 0.57। समझ में आ रहा है? तो ये हैंस प्रूफ, ठीक है, ध्यान रखना ये। देखो यार, मतलब मेजरली ये तो कॉमन सेंस की बात है। अब इसका ये तो हो गया प्रूफ वन, है ना, सस्ता प्रूफ हो गया। थोड़ा महंगा प्रूफ देना है अगर तो। देखो भाई, होता क्या, कोई भी नंबर किस चीज से बनता है? उसके इंटीजर पार्ट से बनता है और उसके फ्रैक्शनल पार्ट से बनता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे x प्लस एन लाने के लिए, x प्लस एन लाने के हिसाब से मैंने दुनिया में जहां जहां x था वहां वहां x प्लस एन रख दिया। LHS में x प्लस एन रखा और यहाँ पे हो गया x प्लस एन और ये हो गया x प्लस एन। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि GIF में अगर कोई इंटीजर हो, GIF के अंदर अगर कोई इंटीजर हो तो उसको आप बाहर निकाल दो, उसका भी कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं। इसको आप ऐसे लिख सकते, कल ही अपन ने पढ़ा था, पन्ने पलट के देख सकते हो, प्रॉपर्टी नंबर 2 है ना, ये x प्लस ब्रैकेट n, सॉरी x प्लस n का ब्रैकेट, तो n बाहर आ जाता है और यहाँ पर x प्लस n का ब्रैकेट और ये x प्लस n, ये n और n तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। देखो इधर से x माइनस ब्रैकेट x आ जाएगा, x माइनस ब्रैकेट x, ठीक है, दिस इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस n। क्या होता है ये x माइनस ब्रैकेट n, क्या होता है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अरे भाई, कोई भी नंबर से अगर आप उसका इंटीजर पार्ट हटा दोगे तो बचेगा क्या? फ्रैक्शनल पार्ट ही तो बचेगा, x प्लस n, ठीक है, सेम हेंस प्रूफ है ना। आप ऐसे देख लो प्रूफ वन या फिर प्रूफ टू देख लो, जैसे आपको उचित लगे। सेकंड देखते हैं अपन, है ना, सेकंड वाला पार्ट जो है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी जो है वो काफी आसान है। सेकंड प्रॉपर्टी ये कहती है कि माइनस एक्स, एक्स प्लस माइनस एक्स, ये लिखा है अपने सामने। ये दो ही चीज हो सकती है, सोचो आप लोग, मैं नहीं बता रहा है ना, सोचो। देर आर ओनली टू पॉसिबिलिटीज। आप कोई भी खूबसूरत नंबर, कोई भी खूबसूरत नंबर रखो, खूबसूरत नंबर मतलब वन रख दिया, चलो ना, वन का फ्रैक्शनल पार्ट जीरो, माइनस वन यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि वन का नेगेटिव है ना, माइनस वन का फ्रैक्शनल पार्ट भी जीरो। अच्छा, मतलब आपने इंटीजर रखा जब जब तब तब आंसर क्या आएगा? जीरो। कोई भी इंटीजर रखो, कोई भी इंटीजर रखो आप, यहाँ पे टू रखो, टू का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है? टू, सॉरी जीरो, और माइनस टू का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है? वो भी जीरो होता है, जीरो प्लस जीरो हमेशा जीरो आएगा। ठीक है। अच्छा, अगर मैंने यहाँ पे इंटीजर नहीं रखा, है ना, इंटीजर ना रखते हुए मैंने कोई उटपटांग सा नंबर रख दिया, है ना, जैसे कि 3. चलो आज नेगेटिव नंबर रखते हैं, आज कोई तूफानी करते हैं, माइनस 3.6, इसका फ्रैक्शनल पार्ट अगर मैंने रखा और सॉरी हाँ माइनस 3.6 और यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव 3.6 क्या हो जाएगा? प्लस 3.6। समझ में आ रहा है? अच्छा, माइनस 3.6 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आ जाएगा? चलो इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.6
और इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.4। अभी अभी समझाया था मैंने आपको, नेगेटिव का फ्रैक्शनल पार्ट ऐसे ही आता है। 0.6 प्लस 0.4 कितना आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत नंबर 1। ये हमेशा होगा? हाँ हमेशा होगा, हमेशा होगा, अदरवाइज। अदरवाइज मतलब x डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर। अगर आप इंटीजर के अलावा कोई भी नंबर रखते हो और उसका फ्रैक्शनल पार्ट और उसके नेगेटिव का फ्रैक्शनल पार्ट का एडिशन निकालते हो तो आपको हमेशा 1 मिलेगा। ठीक है, थर्ड टाइप करो जल्दी से, आपके पास है टाइम और आपको सबको टाइप करना है। पिछले बार किसी ने टाइप नहीं करा था, सिर्फ 3-4 लोगों ने टाइप किया था। यहाँ पे सबको टाइप करना है। ये क्या होगा, कोई भी बता देगा, कोई भी बता देगा। आपको GIF निकालना है किसी फ्रैक्शन का कितना आएगा, और फिर आपको अगर फ्रैक्शन निकालना है किसी GIF का तो कितना आएगा। दोनों टाइप करो जल्दी से, है ना, मैं वेट कर रहा हूँ, टाइम मत लगाना। ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये एकदम कॉमन सेंस है, ये प्योर कॉमन सेंस है। मैं वेट कर रहा हूँ। चलिए, पहला क्वेश्चन जो है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग, दोनों के आंसर बताओ, एक एक मत बताओ। तो चलो कोई नहीं, आपने पहले टाइप कर दिया होगा इन्हें। गलत दे रहे हो कुछ लोग, ध्यान से ना। देखो भाई, कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट कैसा होता है, 0 point something, 0 point something का GIF 0 आएगा। अरे भाई 0 point something कोई भी ऐसा कोई नंबर है तो उसका GIF हमेशा 0 तो आएगा। वो फ्रैक्शनल नंबर होता क्या, यही तो होता है 0 point something टाइप का नंबर, है ना। अच्छा, और ये इंटीजर GIF को आप हमेशा देखो इंटीजर, ये इंटीजर ही है, इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आता है, 0। तो आपको हमेशा आंसर 0 मिलेगा थर्ड एंड फोर्थ दोनों, है ना, ध्यान रखना। चलिए, फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, चलो नीचे लिखता हूं मैं। इसको GX बोल देते हैं क्योंकि वो ऊपर वाले क्वेश्चन जैसे ही बनाना चाह रहा हूं। अच्छा भाई, क्या लिखा है, हाँ ठीक है, ये लिखा है अपने सामने। तो क्या करेंगे अपन, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, डोमेन निकालना, बड़ा आसान है डोमेन निकालना। आप सबको खुश करते जाओ बस, ऊपर वन है वन तो वैसे भी खुश है। नीचे क्या है, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात, डिनोमिनेटर में भी अंडर रूट है तो अंडर रूट के अंदर का आइटम क्या होना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। लेकिन ये डिनोमिनेटर में तो इक्वल टू 0 वाला पार्ट हम अपनी चालाकी से खुद हटा देंगे। ठीक है, आप सबके आंसर सही थे ना, गुड, तो हम इसको खुद ही हटा देंगे। बस सॉल्व दिस, इसको आप सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। मॉडुलस सॉल्व करना याद है, भूल गए, बहुत आसान है, मैं आपको बता देता हूँ। मॉडुलस सॉल्व करना जो है ना मुश्किल नहीं है, इसको सॉल्व करना है तो देखो मॉड है, मॉड दो तरीके से खुलता है। कैसे खुलता है कि मॉड के अंदर का, यहाँ सॉल्व करते हैं अपन, है ना, मॉड एक्स माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। मॉड के अंदर का मसाला क्या है, एक्स, अगर वो पॉजिटिव है, या दूसरी बात क्या होगी कि मॉड के अंदर का मसाला नेगेटिव है। अगर अंदर का मसाला पॉजिटिव है तो मॉड खुलेगा एज इट इज, तो ये मॉड एक्स बन गया एक्स माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। 0 0 से बड़ा है, मैंने कहा कि एकदम बेहद बकवास कर रहे हो आप, तो 0 0 से बड़ा नहीं होता है, 0 0 से बराबर होता है। ठीक है, तो दिस इज नॉनसेंस। फिर अपन यहाँ पर आए, हमने बोला कि मॉडुलस जो है
उसके अंदर का आइटम नेगेटिव है तो मॉड कैसे खोलेगा विद अ नेगेटिव साइन। हमेशा आपको जब भी मॉड आए तो दो तरीके से खोल दो, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ इस वाले सेट से आपके पास कोई भी आंसर नहीं आया है ना, तो यहाँ से कोई भी आंसर नहीं आया है। एक्स बिलोंगिंग टू फाइव, इधर से देखते हैं अपने पास क्या आंसर आएगा। माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो, माइनस टू एक्स ग्रेटर देन जीरो, माइनस टू से डिवाइड कर दिया तो एक्स लेस देन जीरो, इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई। या माइनस इंफिनिटी से जीरो, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका डोमेन। देखो दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो ये या तो ये, या बोल रहा हूं मतलब और है ना, तो दोनों के बीच में और लगा, इस चीज का ध्यान दो आप। मॉड या तो ऐसे खुलेगा या तो ऐसे खुलेगा, तो इसका और इसका यूनियन लेने का कोई सेंस ही नहीं है। तो आपका फाइनल डोमेन क्या आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। ये वाला देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स माइनस ब्रैकेट एक्स। तो सेम अगेन आपको क्या करना है, ये वाली चीज क्या होनी चाहिए, ग्रेटर दैन जीरो, बस कर लो इसको सॉल्व, आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखो क्या होगा, दो पॉसिबिलिटी है, या तो मॉड के अंदर वाला आइटम जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मॉड के अंदर वाला आइटम क्या हो सकता है, या तो फिर नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, अगर पॉजिटिव हुआ तो ये कैसे खुलेगा, x माइनस एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, तो जीरो इज ग्रेटर देन जीरो। अगर नेगेटिव हुआ तो कैसे खुलेगा, विद अ नेगेटिव साइन। पॉजिटिव में एज इट इज खुलता है और नेगेटिव में नेगेटिव साइन के साथ खुलता है। ये हो गया, तो कितना आ गया, टू एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब x इज ग्रेटर देन जीरो। या ऐसे लिख दो आप इसको, x बिलोंग्स टू जीरो टू इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ से आपके पास कद्दू आएगा फिर से। ठीक है, चलिए, तो आपका डोमेन जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन आ जाएगा x बिलोंग्स टू जीरो टू इन्फिनिटी। आपको सिर्फ डोमेन निकालना, अभी ना रेंज निकालना नहीं है। क्वेश्चन इस तरीके से दिया जा रहा है कि आप डोमेन ज़्यादा अच्छे से निकाल पाएंगे और रेंज शायद ही ना निकाल पाए। वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, क्या करना है आपको, डोमेन निकालना है इसका, फाइंड डोमेन। करते कोशिश, देखो दो फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, ऐसा देखो दोनों का डोमेन निकाल लो और इंटरसेक्शन लो। इसका डोमेन जो भी निकलेगा और इसका डोमेन जो भी निकलेगा डी टू, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना मैंने आपको सिखाया था जब भी दो फंक्शन ऐड होते हैं। तो इसका डोमेन निकालना काफी आसान है, यू सॉल्व दिस इनइक्वालिटी। अंडर रूट के अंदर का आइटम क्या होना चाहिए, अंडर रूट के अंदर का आइटम ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, वेवी कर्व से सॉल्व कर लो आप इसको, माइनस टू टू, ये हो गया प्लस माइनस प्लस। वेवी कर्व की जरूरत नहीं पड़ती बट मैं बता रहा हूँ इसीलिए क्योंकि काफी टाइम हो गया आपने कोई करे हुए। क्या चाहिए आपको, ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो मतलब प्लस, तो एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू, माइनस टू पे इंक्लूड नहीं करना क्योंकि डिनोमिनेटर में कॉमन सेंस, इस पर आप हॉलो लगा दो, इस पर डार्क लगा दो, माइनस टू पे इंक्लूड नहीं करना क्योंकि माइनस टू कॉमन वो डिनोमिनेटर को जीरो कर देगा। यूनियन टू, टू पे इंक्लूड करना है, टू टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये वाले पे आ जाओ, अब इधर आएंगे तो ये वाला अंडर रूट के अंदर का आइटम क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, मतलब वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये वन माइनस एक्स सुंदर नहीं है, इसको सुंदर बनाने के लिए मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करा ताकि ये एक्स माइनस वन बन जाए। तो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, नीचे तो वन प्लस एक्स लिखो या एक्स प्लस वन, फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने नेगेटिव से मल्टीप्लाई करा तो ये इनइक्वालिटी का साइन पलट जाएगा। ठीक है, वेवी कर्व बनाना है तो माइनस वन प्लस वन, ये हो गया आपके पास प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अच्छा नाइस, क्या चाहिए आपको, नेगेटिव, नेगेटिव चाहिए तो ये वाला पार्ट चाहिए आपको, है ना। देखो माइनस वन जो है वो अच्छी बात नहीं है, रखना है बिल्कुल अच्छी बात नहीं, तो माइनस वन पे हॉलो कर दो और वन पे आप डार्क कर दो, तो क्या आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन टू प्लस वन। अच्छा, इन दोनों का आपको इंटरसेक्शन लेना था, स्टार्टिंग में अपन ने डिसाइड करा था, तो इंटरसेक्शन तो कोई भी ले लेगा।
इंटरसेक्शन ले लो भाई, क्या आ जाएगा माइनस वन और प्लस वन और माइनस टू, तो माइनस टू माइनस वन प्लस वन और टू, ये चारों पॉइंट्स मैंने मार्क कर दिए। देखो माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू, यूनियन टू टू इन्फिनिटी, फिर माइनस वन टू वन, कुछ कॉमन आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं, तो भाई आंसर क्या होगा आपका? कद्दू, कुछ भी कॉमन है, देर इज नथिंग कॉमन। तो कोई भी दुनिया का ऐसा एक्स नहीं है जो इस फंक्शन को खुश कर सके। आप डाल के देखो कोई भी एक्स का वैल्यू, कभी भी ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। यहाँ पे जीरो डालो, कितना आ जाएगा, जीरो माइनस टू अपॉन जीरो प्लस टू, माइनस वन आ गया, अगेन नेगेटिव आ गया, बात ही खत्म हो गई। वन डालो, वन माइनस टू अपॉन वन प्लस टू, फिर नेगेटिव आ गया। चलो फोर डाल दो, फोर माइनस टू अपॉन फोर प्लस टू पॉजिटिव, यहाँ पे फोर डालो, वन माइनस फोर, फिर नेगेटिव आ गया। तो ये फंक्शन कभी भी कोई भी एक्स की वैल्यू के लिए डिफाइंड ही नहीं है, इसलिए आपका आंसर जो आ रहा है वो डोमेन जो आ रहा है वो आ रहा है एक्स बिलोंगिंग टू फाइव, है ना। बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये, आगे बढ़ा जाए। देखो भाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2 टू द बेस x माइनस टू अपॉन एक्स प्लस थ्री, ये पूरा बेस है, प्लस अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। इसको आप सॉल्व करो, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क आपका है प्रलिप्को से, तो बहुत ध्यान से आप होमवर्क लिखना, है ना। आपको अगर मैं पीडीएफ दूंगा इसका, है ना, आपको थोड़ी देर से, एंड जस्ट मेरे को थोड़ा सा टाइम दो। आपको प्रलिप को में सॉल्व करना है क्वेश्चन बिलोंगिंग टू 32 to 70, ये पूरा वीकेंड है आपके पास, 32 से लेकर 70 तक आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है, सब डोमेन निकालने वाले। मैं आपको पीडीएफ दूंगा अभी थोड़ी देर से, ठीक है, ओके। तो आज का लेक्चर अपन यहीं पे खत्म करते हैं।